अरे प्रवीण भैया नूर भैया अरे अरे क्या कर रही रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक वायलेशंस हैं उस पर भी ध्यान रखेगा, इसका हमने ऐलान किया था। तो आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो सैटरडे के दिन प्रेस नोट दिए थे, फ्री लेफ्ट और स्टॉप लाइन के ऊपर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हम पहले दो तीन दिन आवाम को इसके ऊपर एजुकेशन के तौर पर उनको बताते रहेंगे, ज़्यादा हम चालानी से नज़र नहीं रखेंगे। सबको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉप लाइन है वो किसके लिए है, इसके ऊपर रोकने से जब सिग्नल ग्रीन से जाकर ऑरेंज और रेड पर आता है तो आप सबको स्टॉप लाइन के पहले ही रोकना है। हम क्रॉस करके रोकेंगे, ज़ीब्रा लाइन्स के ऊपर रोकेंगे। तो जो लोग एक रोड के इस तरफ से उस तरफ तक जाने में उनको बहुत दखल अंदाजी होगी और वो लोग दूसरे तरफ से क्रॉस करने लगेंगे, तो आप सबको याद रखना चाहिए कि हम भी हमारी गाड़ी जब छोड़कर रोड पर चलते हैं तो फुटपाथ हैं, फुटपाथ भी सब आजकल ये बंडी वालों के साथ वॉकर जो भी है बहुत ऑक्यूपाई हो चुका है, और जो भी दुकानदार हैं वो दुकान के आगे ही अपना पूरा सामान रखकर बेचने लगे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि कोविड के समय में एनफोर्समेंट ज़रा कम था और सबको दिक्कत थी तो गुजारिश करने के अपना गुजारा करने के लिए, इसीलिए आज से हमने ऐलान किया था कि आज से हम ये शुरू करेंगे, एनक्रोचमेंट निकालेंगे। लोग अपने आप, मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दुकान के आगे जो भी सामान लगाकर बेच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं सबको आप अपना सामान अपने आप निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आकर केसेस लगाएगा। इसके अलावा जो भी स्टॉप लाइन पर नहीं रोकेगा उस पर भी थोड़े दिन के बाद हम चालान शुरू करेंगे, और जो लोग लेफ्ट फ्री लेफ्ट से जाना चाहते हैं, जो रोड के लेफ्ट साइड पर जाना चाहते हैं उनको ये स्पेसिफिकली दिया गया है कि आप आकर फ्री लेफ्ट के उसमें जाएंगे, पर ये हर जंक्शन में ये नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी जंक्शन बड़ा है उस पर हम फोकस करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हम सबको, हम यहाँ आवाम की का ताउन जो है